أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा मौजू लाए हैं जिसके बारे में तकरीबन हर शख्स परेशान है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वस्व से बुरे और गंदे ख्यालात आना क्या हैं और इनके इलाज के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ सिखाई है। तो चलिए अपना वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ, वस्व सा वाकया हकीकत है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में वस्वसे से मुराद किसी के बारे में बुरे ख्यालात का आना है। वस्वसे अक्सर इंसान के बस में नहीं होते। वस्वसे इंसानी जहन में शैतानी सिफत रखने वालों की तरफ से आते हैं। जैसा कि कुरान पाक में सूरत नास में अल्लाह से पनाह मांगी गई है जिन्नों और इंसानों के वसवसों से, यानी वसवसे शैतानी सरगोशी हैं। इंसान के दिल में इस पर बाज़ मरतबा काबू पाना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। वसवसे मस्जिद में और नमाज के दौरान भी आते हैं और दौरान नमाज इंसान को नमाज की रकातों की तादाद भुला देते हैं या इंसान के जहन में बातें डाल देते हैं कि वो फलां काम भी करना है और ये काम भी करना है या इससे लेन देन करना है वगैरह वगैरह। और बार बार ऐसा देखा गया है कि इंसान को ऐसी हस्तियों के बारे में भी वसवसे आते हैं कि जिनके बारे में वो बुरा सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वाज़ह रहे कि बुरे ख्यालात को बुरा समझना, उनसे डरना और उनके बारे में फ़िक्रमंद होना दरहकीकत ईमान की अलामत है, क्योंकि साहिब ईमान ही इनसे तशवीश में मुबतला होता है। चुनाचा ऐसे ही वसवसों के मुतल्लिक सहाबा कराम ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिक्र किया था। आपने उनकी परेशानी सुनकर उनसे पूछा कि ऐसे वसवसे तुमको आते हैं, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो सरी ईमान है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत की इन गलतियों को माफ़ फरमाया है जिनका सिर्फ में दिल में वसवसा गुजरे या दिल में उसके करने की ख्वाहिश पैदा हो मगर उसके मुताबिक अमल ना हो और ना बात की हो, और इसी तरह इन कामों से भी उन्हें माफ़ फरमाया है जिन पर वो मजबूर कर दिए जाएँ। लिहाजा बुरे ख्यालात का इलाज ये है कि उनसे परेशान होने की बजाय उनको नज़रअंदाज करना चाहिए और ऐसे वक्त में तऊस और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द किया जाए। और अगर शैतानी वसवसों को रोकना इंसान के बस में ना रहे तो ये दुआ पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही वल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और कुरान मजीद की तिलावत करते हुए उसका तर्जमा पढ़ें। जो ही कोई बुरा ख्याल आए उसी वक्त अल्लाह से शैतान के शर से पनाह मांगा करें और कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करें। और तौबा अस्तगफार का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। अल्लाह ताला के पास जो भी इखलास और नेक नियति से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाता है।